Welcome back, my dear kids. How are you? I am Payal, your computer teacher. Today, we are going to start our new chapter of our computer book by BrainRoot series. The name of our book is Cyber Creator Class 1. तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग द कीबोर्ड. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेस बार की, एंटर की, बैकस्पेस की और डिलीट की के बारे में पढ़ेंगे. हम कंप्यूटर की डिफरेंट कीज के बारे में आज पढ़ेंगे. बिफोर वी बिगिन, तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करनी है? एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी. कलर द पिक्चर ऑफ अ कीबोर्ड गिवन बिलो. यहाँ पे एक कीबोर्ड की पिक्चर दी हुई है. आपको क्या करना है? उसमें बहुत सुंदर से कलर करने हैं. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. Different keys are present on the keyboard. Keyboard पे different keys होती हैं. We can type on a computer by pressing the keys on the keyboard. हम computer पे कैसे type करते हैं? इन सब keys को press करके. In this chapter, we will learn about the following keys. इस chapter में हम इन कुछ कीज के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन सी कीज के बारे में पढ़ेंगे? अल्फाबेट की, नंबर कीज, स्पेस बार की, एंटर की, बैकस्पेस की और डिलीट की के बारे में पढ़ेंगे. लेट अस लर्न अबाउट दीज कीज ऑफ अ कीबोर्ड इन डिटेल. तो चलिए अब हम इस कीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फाबेट कीज के बारे में. अल्फाबेट मतलब ए टू जेड. तो हम उन कीज के बारे में पढ़ेंगे जिन पे क्या लिखे हुए हैं? लेटर ए टू जेड. तो इस तरह की कीज को हम कहते हैं अल्फाबेट की. द की ऑन विच यू सी द लेटर ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट कीज. तो जिन कीज पे आप ए से लेके जेड तक के लेटर देखते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फाबेट की. अल्फाबेट कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स, वर्ड एंड सेंटेंस. अल्फाबेट की हेल्प से हम लेटर, वर्ड्स और सेंटेंसेस को टाइप करते हैं. देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड पे कितनी अल्फाबेट कीज होती हैं? 26. क्यों? क्योंकि ए टू जेड भी कितने अल्फाबेट होते हैं? 26. तो अल्फाबेट कीज भी कितनी होंगी? 26. नेक्स्ट नंबर कीज. अब हम पढ़ेंगे नंबर कीज के बारे में. द कीज ऑन विच यू सी द नंबर 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर कीज. जिन कीज पर आप 0 से लेके 9 तक नंबर देखते हैं वो होती है हमारी नंबर कीज. दीज कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स. इन कीज की हेल्प से हम नंबर्स टाइप करते हैं. देयर आर 2 ग्रुप ऑफ नंबर कीज. कीबोर्ड पर नंबर कीज के कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप. ऑन द टॉप ऑफ द अल्फाबेट कीज एंड 1 ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. एक कहाँ होती है? अल्फाबेट कीज के जस्ट ऊपर और एक कहाँ होती है? राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. सो देयर आर 20 नंबर कीज ऑन अ कीबोर्ड. तो इससे हमें यह पता चलता है कि कीबोर्ड पर टोटल 20 नंबर कीज होती हैं. दीज कीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूमरिक की. इन कीज को न्यूमरिक की भी कहा जाता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट स्पेस बार की. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पेस बार की के बारे में. द स्पेस बार की इज यूज टू एड ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर्स, वर्ड और नंबर. स्पेस बार की का यूज कब होता है? जब हमें किसी लेटर या वर्ड या नंबर के बीच में क्या देना होता है? ब्लैंक स्पेस देना होता है. इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड.
स्पेस बार की क्या होती है? सबसे लंबी की होती है, किस पे? कीबोर्ड की। आफ्टर प्रेसिंग द स्पेस बार की बिटवीन डी एंड एम, अब उसने यहाँ पे क्या लिखा? गुड मॉर्निंग लिखा। तो डी के बाद और एम से पहले क्या की प्रेस करी? स्पेस बार की प्रेस करी, तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या आ गया? ब्लैंक स्पेस आ गया। एंटर की, नाउ वी विल लर्न अबाउट एंटर की। द एंटर की इज प्रेस वंस टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जब हम एक बार एंटर की को प्रेस करते हैं तो कर्सर कहाँ चला जाता है? नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। देयर आर टू एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर कितनी एंटर कीज होती हैं? टू एंटर कीज। द एंटर की एग्जिट्स इन डिफरेंट शेप। एंटर की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होती हैं, कहाँ पर? कीबोर्ड पर। सो अब मैं आपको बताऊंगी एंटर की कैसे यूज होती है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? टेबल, चेयर। क्या वर्ड लिखा? टेबल और चेयर। तो जब मैंने टेबल के बाद एंटर की को प्रेस किया तो चेयर वर्ड कहाँ चला गया? नेक्स्ट लाइन पे चला गया। आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की, कब गया नेक्स्ट लाइन पर? एंटर की प्रेस करने के बाद। नाउ वी विल लर्न अबाउट बैकस्पेस की। अब हम बैकस्पेस की के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द बैकस्पेस की इज यूज टू इरेज द लेटर टाइप बिफोर द कर्सर। जो भी लेटर हमने कर्सर से पहले टाइप करे हैं, हम बैकस्पेस की से उसको क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। इट इज यूजली द लास्ट की इन द रो ऑफ नंबर्स। नंबर्स की रो में सबसे लास्ट की होती है बैक स्पेस की। दिस में लुक डिफरेंट ऑन डिफरेंट कीबोर्ड्स। डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स पर ये की डिफरेंट डिफरेंट शो करती है। नाउ आई विल टेल यू हाउ वी विल यूज बैक स्पेस की। तो अब मैं आपको बताऊंगी बैकस्पेस की को हम कैसे यूज करेंगे। सपोज आई हैव रिटन वन वर्ड कंप्यूटर, COMPUTAER। तो मैंने इसमें क्या एक्स्ट्रा लगाया? ए एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि कंप्यूटर की स्पेलिंग में ए नहीं आता। तो मैंने कर्सर को कहाँ पे रखा? ई से पहले रखा। तो जब हम ई से पहले रखा और बैकस्पेस की को प्रेस करेंगे तो ए लेटर डिलीट हो गया, तो वो क्या बना? COMPUTER, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर। नाउ वी विल लर्न अबाउट डिलीट की। अब हम पढ़ेंगे डिलीट की के बारे में। द डिलीट की इज यूज टू इरेज द लेटर टाइप आफ्टर द कर्सर। तो डिलीट की का यूज कब होता है? कर्सर के बाद में होता है। और बैकस्पेस की का कब था? कर्सर से पहले। देयर आर टू डिलीट कीज ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पर कितनी डिलीट की होती है? टू डिलीट कीज होती है। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू यूज डिलीट की। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि डिलीट की का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने एक लेटर लिखा मैथमेटिक्स, लेकिन उसमें मैंने क्या मिस्टेक की? मैंने ई गलत टाइप कर दिया, जबकि मैथमेटिक में ई नहीं आता। तो मैंने कर्सर को कहाँ रखा? ए के बाद रखा और क्या प्रेस किया? डिलीट की। उससे क्या हुआ कि ए के बाद जो ई लेटर था वो इरेज हो गया। तो आई गॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो उससे क्या हुआ? मुझे मैथमेटिक के सही स्पेलिंग मिल गए। किसकी हेल्प से? डिलीट की हेल्प से मैंने ई लेटर को इरेज किया। नाउ लेट अस डू। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, अब उसी पे हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे। रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक वर्ड। अब हमें क्या करना है? कुछ लेटर दे रखे हैं, लेकिन वो क्या है?
जंबल्ड में है, हमें उसे क्या करना है, रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल लेटर बनाना है। तो सबसे पहला है IPYTNG, तो बताइए क्या बनेगा इसका लेटर, बनेगा टाइपिंग। सबसे पहले आएगा TYPING, तो क्या बन गया, टाइपिंग। नेक्स्ट वन इज BKCAPCESA, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, ये कौन सी की बनी, ये बनी हमारी बैक, BACK बैक स्पेस SPACE बैक स्पेस, रेस्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर मैनर्स, अब हम पढ़ेंगे कुछ कंप्यूटर मैनर्स। क्लोज योर आईज टाइटली, सबसे पहले अपनी आंखें टाइटली क्लोज करिए। काउंट अप टू 5, और कहाँ तक गिनेंगे, 5 तक, एंड देन ओपन देम, और उसके बाद आंखों को खोल लीजिए। डू दिस 5 टाइम्स, आपको ये कितनी बार करना है, 5 टाइम। इसको करने से क्या होगा, इट इम्प्रूव्स योर विजन एंड लोअर्स द रिस्क ऑफ आई डिसीज, ये आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा और क्या करेगा, आई डिसीज के रिस्क को कम करेगा। नाउ लेट अस रिवाइंड, तो हमने जो चैप्टर में पढ़ा जल्दी से उसको एक बार क्या करते हैं, रिवाइंड करते हैं। द कीज ऑन विच यू सी द लेटर A to Z आर कॉल्ड अल्फाबेट कीज, दीज कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स वर्ड्स एंड सेंटेंस, जिन कीज पर A to Z लेटर लिखे होते हैं वो होती हैं अल्फाबेट कीज, उनकी हेल्प से हम लेटर वर्ड और सेंटेंस को टाइप करते हैं। द कीज ऑन विच यू सी द नंबर 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर कीज, दीज कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स, जिन कीज पर 0 to 9 तक नंबर लिखे होते हैं वो होती हैं नंबर कीज, और इनकी हेल्प से हम नंबर्स टाइप करते हैं। द स्पेस बार की इज यूज टू एड ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर वर्ड्स और नंबर, स्पेस की हेल्प से हम लेटर्स वर्ड और नंबर के बीच में क्या देते हैं, ब्लैंक स्पेस देते हैं। द एंटर की इज प्रेस्ड वंस टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, जब हम एक बार एंटर की को प्रेस करते हैं तो कर्सर कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट लाइन पर। द बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज द लेटर टाइप बिफोर द कर्सर, बैक स्पेस की से हम क्या इरेज करते हैं, कर्सर से पहले वाला लेटर। द डिलीट की इज यूज टू इरेज द लेटर्स टाइप आफ्टर द कर्सर, और डिलीट की हेल्प से कर्सर के बाद का जो लेटर लिखा हुआ है हम उसको डिलीट करते हैं। तो बच्चों आपने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा अब हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे आपको कितना आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, दिए हुए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन पर क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। नंबर 1 डैश कीज आर यूज टू टाइप लेटर वर्ड्स एंड सेंटेंस, बताइए अल्फाबेट की, नंबर की, स्पेस बार की और एंटर की, इनमें से कौन सी की हेल्प से हम क्या करते हैं, लेटर वर्ड और सेंटेंसेस को टाइप करते हैं। द करेक्ट आंसर इज अल्फाबेट की। नेक्स्ट डैश की इज प्रेस्ड वंस टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, कौन सी की को हम प्रेस करते हैं तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पर जाता है, बैक स्पेस, डिलीट, एंटर और स्पेस बार, एंटर की। नेक्स्ट डैश की आर यूज टू टाइप नंबर्स, कौन सी की हेल्प से हम क्या करते हैं, नंबर्स को टाइप करते हैं, एंटर की, अल्फाबेट की, नंबर की और डिलीट की, द करेक्ट आंसर इज नंबर कीज। नाउ नंबर 4 डैश की इज यूज टू इरेज द लेटर टाइप आफ्टर द कर्सर, कौन सी की को प्रेस करने से कर्सर के बाद का लेटर डिलीट होता है,
backspace, delete key, space bar or enter key. The correct answer is delete key. Now the question number 2, fill in the blanks. The keys on which you see the letter A to Z are called, वो कौन सी कीज होती हैं जिन पर आप A to Z लेटर लिखे हुए देखते हैं? वो कीज होती हैं हमारी अल्फ़ाबेट ALPHABET, अल्फ़ाबेट कीज KEYS, अल्फ़ाबेट कीज. द सेकेंड वर्ड, द कीज ऑन विच यू सी नंबर 0 to 9 आर कॉल्ड. अब जिन कीज पर आप 0 से 9 तक नंबर देखते हैं वो कौन सी कीज होती हैं? नंबर की NUMBER, नंबर कीज KEYS, कीज. थर्ड वन, डैश की इज यूज्ड टू ऐड ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर वर्ड्स और नंबर. कौन सी की हेल्प से आप लेटर्स और नंबर के बीच में स्पेस देते हैं? तो वो है हमारी स्पेस बार, स्पेस बार की. नेक्स्ट, द डैश की इज यूज्ड टू इरेज द लेटर टाइप बिफोर द कर्सर. कर्सर से पहले का लेटर डिलीट होता है कौन सी की से? बैक स्पेस BACK, बैक स्पेस SPACE, बैक स्पेस की. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए आप टी लिखेंगे, जो गलत है उसके लिए आप एफ लिखेंगे. तो चलिए हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं. नंबर 1, वी कैन टाइप ऑन अ कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड. हमें जब कंप्यूटर पे टाइप करना है तो हम कीबोर्ड की कीज को प्रेस करते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी विल राइट टी फॉर इट. द नेक्स्ट वन, द एंटर की इज प्रेस्ड वंस टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. एक बार एंटर की को दबाने से वो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. द नेक्स्ट, देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन अ कीबोर्ड. दिस इज ऑल्सो ट्रू. द नेक्स्ट वन, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ नंबर कीज. कीबोर्ड पर 3 ग्रुप्स होते हैं नंबर की के? नो, इट इज फॉल्स. देयर आर 2 ग्रुप ऑफ नंबर कीज. द नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग. देयर आर 2 कॉलम्स, यहाँ पे 2 कॉलम है, आपको क्या करना है? मैचिंग करनी है. सबसे पहले वाले कॉलम में कुछ कीज के नाम लिखे हुए हैं और दूसरे वाले कॉलम में क्या लिखा है उससे रिलेटेड उसके फंक्शन या फिर उससे रिलेटेड कुछ बात लिखी हुई है. तो सबसे पहला है हमारा डिलीट की. तो डिलीट की को हम किससे मैच करेंगे? नंबर 1, इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, वो कीबोर्ड की सबसे लंबी की है. इरेज द लेटर टाइप बिफोर द कर्सर, कर्सर से पहले के लेटर डिलीट करती है. इरेज द लेटर टाइप आफ्टर द कर्सर, कर्सर के बाद के लेटर डिलीट करती है. तो हम क्या करेंगे? डिलीट की को हम नंबर सी से मैच करेंगे. नाउ स्पेस बार को हम मैच करेंगे नंबर ए से. क्यों? क्योंकि स्पेस बार क्या है? लॉन्गेस्ट की है ऑन द कीबोर्ड. नंबर 3, एंटर की कम्स इन डिफरेंट शेप. तो हम एंटर की को मैच करेंगे कम्स इन डिफरेंट शेप. द लास्ट वन इज बैक स्पेस की, तो हम इसे नंबर बी से मैच करेंगे. इरेज द लेटर टाइप बिफोर द कर्सर. क्वेश्चन नंबर ई, आइडेंटिफाई मी, मुझे पहचानो. आई एम द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, मैं कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की हूँ. तो कौन सी की है? वो है स्पेस बार, स्पेस बार. नंबर 2, आई मूव द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन, मैं कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर मूव करती हूँ. दैट इज एंटर की, एंटर की. नेक्स्ट वन, आई इरेज द लेटर टाइप बिफोर द कर्सर, मैं कर्सर से पहले के लेटर डिलीट करती हूँ.
आई एम बैक स्पेस की, बैक स्पेस की. द नेक्स्ट वन, आई इरेज द लेटर टाइप आफ्टर द कर्सर, मैं कर्सर के बाद के लेटर डिलीट करती हूँ. आई एम डिलीट की, मैं क्या हूँ, डिलीट की. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना है, उसके आंसर्स लिखने हैं. तो चलिए मैं एक बार आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा देती हूँ. नंबर वन, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्फाबेट कीज. अल्फाबेट कीज का क्या यूज होता है. इट इज यूज टू टाइप लेटर, वर्ड्स और सेंटेंसेस. नंबर टू, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की. स्पेस बार की का क्या यूज होता है. इट इज यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन नंबर्स और लेटर्स. द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूज ऑफ एंटर की. एंड द थर्ड वन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ डिलीट की. आप एक बार चैप्टर रीड करेंगे, दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए और नेक्स्ट टू आप खुद करेंगे. यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कीबोर्ड की डिफरेंट कीज के बारे में डिटेल में पढ़ा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.